छेद कर लिए इसमें? कर। देखिए यहाँ पर पौधे लगाएंगे, गमले में मिट्टी थी तो वो इस वाले गमले की मिट्टी उसमें कर रहे हैं। किसका पौधा लाए हो? पेच कस मत दबा देना इसी में नीचे। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है तो ये लगा रहे हैं, एलोवेरा लेकर के आए थे तो ये गमले में एलोवेरा लगाने जा रहे हैं। और इधर मैं नहा धो के सारा काम कर लिया मैंने सुबह, और नहा धो करके अभी जा रही थी मैं पूजा करने, तो मैंने सोचा ये वो पौधे लगा रहे हैं तो मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ, तो इनकी थोड़ी सी बना करके लाई थी। और आज मैंने आपका वेलकम ही नहीं किया, भूल गई आपका वेलकम करना अपने चैनल में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी मैं जा रही थी पूजा करने, और पूजा करने के बाद इनके लिए खाना बनाऊंगी और सबके व्रत चलें। आज मेरा दूसरा व्रत है, कल पहला था, आज मैंने 9 दिन फास्ट रखा हुआ है। चलिए पूजा कर लेते, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। बहुत जल्दी हो रही है मुझे, ये जल चढ़ाया हूँ सूर्य भगवान को, फिर चलिए जल चढ़ा के आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। अभी यहाँ पर ये एलोवेरा का पौधा लेकर के आए थे तो वो लगा रहे थे, और गमले में जो पहले की मिट्टी थी वो हटा दी थी और नई मिट्टी डाल करके पौधा लगाया। और भी 2-4 पौधे लगाने हैं तो वो पौधे थे नहीं, केवल एलोवेरा का पूजा हो गई इन्होंने। और अब बनाने जा रही हूँ इनके लिए खाना, बना दूँ लंच के लिए, लेट हो गई मैं, 8:15 हो गए मुझे पूजा वूजा करने में, टाइम तो लग ही जाता है सुबह के टाइम इन सब चीज़ों में। और जबकि मैं काफ़ी जल्दी उठी हुई हूँ, सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, तो पानी नहीं आ रहा था, आज पानी चला गया था। तो अभी जब लाइट आई है तब सुबह थोड़ा बहुत टंकी का था उससे मैंने काम कर लिया, फिर अभी 7:30 बजे लाइट आई जब टंकी भरी जा रही है, जब मोटर चला के आए तो मैं खाना बनाती हूँ इनके लिए। यहाँ पर मैं दूध रखा हुआ था रात का, तो उसमें दूध में से मलाई निकाल रही थी, और ना खाना बनाने के लिए मैं लेट हो गई थी वाकई में, क्योंकि सुबह के टाइम कितना भी जल्दी उठ जाओ हो ही जाते हैं लेट, बच्चों को नहलाना धुलाना और सारा काम करना। और आज तो ये दोनों बच्चों को अपने साथ और ले जा रहे थे, तो बच्चों के लिए पराठे अलग सेके थे मैंने, क्योंकि बच्चे रोटियाँ खाते नहीं हैं लंच में भी, तो उनके लिए मैंने पराठे सेक करके रखे, इनके लिए रोटियाँ बनाई। और सब्ज़ी भी कोई समझ में नहीं आ रही तो फिर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी जल्दी। अरे मेरे बाबू, हाँ खुले, अभी दे रही और पढ़ाई करना। सुबह से मैं आप लोगों से आप मिल रही हूँ, और ना आज दोनों बच्चे ही बच्चों को ही अपने साथ स्कूल ले गए हैं, क्योंकि घर पे रहते हैं सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जब मुझे मैं काम में लगी रहती हूँ तो उतने दिन या तो फोन देखते हैं, और अगर फोन ले लो तो आपस में लड़ते हैं, लड़ के खेलते हैं। तो ये आज बोले चलो आज मैं दोनों को अपने स्कूल ले जा रहा हूँ, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद इनके स्कूल खुलने वाले हैं, सिलेबस वगैरह आ जाएगा बच्चों का, तो फिर ये पढ़ाई में बिजी हो जाएंगे। तो आके आज मैं ले जा रहा हूँ इन्हें अपने स्कूल, तो वहाँ इन्हें मैं थोड़ा बहुत वर्क कराऊँगा, जैसे और बच्चों को पढ़ाएँगे तो फिर इन्हें भी वर्क दे देंगे तो कुछ तो सीखेंगे थोड़ा बहुत। तो इस वजह से ये दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए, कपड़े रह गए हैं, और जो किचन में बर्तन थे खाने के वो भी मैंने नहीं धुले हैं, वो रखे हुए हैं, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और मैंने कहा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ उसके बाद में बर्तन धोऊंगी। और मैंने ना 9 दिन के फास्ट रख लिए हैं, और कन्या लास्ट में कन्या पूजन होता ही है, तो मैंने क्यों ना 9 दिन के फास्ट रख लिए जाएं। और मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम 9 दिन का फास्ट रख रही हूँ, हर बार मैं पहला और आखिरी रहती थी, और शादी से पहले तो मैंने कभी कोई फास्ट रखे ही नहीं है, शादी के बाद में ही मैंने रखना स्टार्ट किए, केवल शादी से पहले मैं
फ्राइडे का फास्ट रखती थी, संतोष जी माता का व्रत मैंने रखा काफ़ी साल तक रखा, और एक ही व्रत रखती थी उसके बाद में शादी के बाद में ही जो व्रत रखे हैं मैंने, और ये नवरात्र का मेरा इन 8 सालों में या जितने साल की मैं हो गई मैं उसमें फर्स्ट टाइम मैं नवरात्र का 9 दिन का व्रत रख रही हूँ पहली बार। हर बार मैं पहला और आखिरी रखती थी अष्टमी का, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना 9 दिन के रख लेते हैं। तो चलिए मुझे थोड़ी एडिटिंग भी करनी है अपनी वीडियो की, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए आपस में आप लोग एक दूसरे के साथ में। तो चलिए थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से। खाना बना दिया मैंने, अभी ये आए नहीं है नीचे से, आएंगे जब लगाऊंगी, और मैं पूजा कर ले रही हूँ, दीपक जला दे रही हूँ शाम का। अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया और 7:45 बज गए। यहाँ पर मैं शाम की पूजा करने जा रही थी, दीपक जलाने जा रही थी, खाना पीना मैं सब बनाया आई थी इनका भी और अपने लिए भी बना के रखाई थी व्रत का। और एक नई बात, ये नवरात्र के दिनों में हमारे यहाँ आया एक नन्ना मेहमान, जो कि आपने देखा होगा एलोवेरा का पौधा लगाया है नवरात्र में, और भी पौधे लगाने थे मगर इन्हें मिले नहीं, बोले 1-2 दिन में ले आऊँगा तो लगा दूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी शाम की पूजा कर रही हूँ और पूरा दिन इसी में निकल जाता है, खाना बनाने खिलाने में घर के काम में, और अभी व्रत चल रहे हैं तो सुबह शाम की पूजा में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में, और जय माता दी।